टीम इंडिया को 6 जुलाई से जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम जिम्बाब्वे के लिए निकल भी चुकी है, लेकिन कुछ खिलाड़ी वेस्टइंडीज में हैं जो टी20 वर्ल्ड कप खेलने गए थे, लेकिन खराब मौसम के चलते ये खिलाड़ी सही समय पर जिम्बाब्वे नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में बीसीसीआई ने शुरुआती 2 मैचों के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में कुछ बदलाव किए हैं। जिम्बाब्वे के लिए शुरुआती 2 टी20 मैचों के लिए साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और ऑलराउंडर हर्षित राणा को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी संजू सैमसन, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल की जगह लेने वाले हैं। दरअसल संजू सैमसन, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल बारबाडोस से सीधा भारत आएंगे और फिर वे बाद में जिम्बाब्वे के लिए उड़ान भरेंगे। साई सुदर्शन और जितेश शर्मा इससे पहले भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं, वहीं हर्षित राणा को पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है। आईपीएल 2024 में हर्षित राणा ने कमाल का प्रदर्शन किया था। उन्होंने 12 मैचों में 19 विकेट हासिल किए थे और वो कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाने में अहम योगदान दे चुके हैं। अब उन्हें इस प्रदर्शन का फल मिला है और ये खिलाड़ी पहली बार सिलेक्ट हो चुका है इंडियन टीम के लिए। अब एक बार एक नजर डाल लेते हैं टीम के ऊपर जो पहले 2 मैचों में खेलने वाली है। शुभमन गिल कैप्टन है इस टीम के, ऋतुराज गायकवाड़ है इस टीम में, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, ध्रुव जुरेल विकेट कीपर है, रियान पराग, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, खलील अहमद, मुकेश कुमार, तुषार देश पांडे, साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और हर्षित राणा। अब आखिरी 3 टी20 मैचों के लिए जो टीम है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये खिलाड़ी पहुंच जाएंगे जिम्बाब्वे जो अभी वर्ल्ड कप में है, उसके बाद वही सेम टीम खेलेगी जिसका ऐलान बीसीसीआई ने पहले किया था। उसके कैप्टन शुभमन गिल ही हैं। यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन आ जाएंगे टीम में, ध्रुव जुरेल, शिवम दुबे, रियान पराग, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, खलील अहमद, मुकेश कुमार और तुषार देश पांडे।